नमस्कार, मैं हूं मनीषा बुंद्रे और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। नागपुर में अब साहूकारों पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। जो साहूकार गरीबों से उनके दिए गए ऋण के बदले में उनकी संपत्ति पर जबरन हक जमाता है या उस पर कब्जा कर लेता है, तो उन पर अब कानूनी तौर पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में नागपुर के एक साहूकार पर पुलिस ने कार्रवाई की है और आगे भी ऐसे मामलों में कार्रवाई करने की बात पुलिस ने कही है। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंगल ने दी है। अभी जो साहूकारी के जो कायदे है उसके हिसाब से हमने पिछले दिनों में एक लोगों को आह्वान किया था कि आपके अगर कोई भी अड़चन है, आपको कोई साहूकार है जिसने पैसे दिए और वो जो है आपके ऊपर कोई अन्याय कर रहा है, आपके प्रॉपर्टी पे हक जमा रहा है, आपके प्रॉपर्टी के कागज़ जो हैं उसने ले लिए हैं या साइन करवा लिए हैं, ऐसी जो चीज़ें थी इसके बारे में काफ़ी कंप्लेंट्स थी और उन लोगों को हमने आह्वान करके बुलाया। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हमारे पास में आए हैं और इस डायरेक्शन में जिनकी भी तकरार थी वो केसेस केस टू केस देख के उनके ऊपर हम लोग केस रजिस्टर कर रहे हैं और अभी कई केसेस हो चुके हैं। अभी परसों ही लगभग 4 केसेस एक ही साहूकार के ऊपर हुए हैं जिसके खिलाफ काफ़ी कंप्लेंट्स थी लोगों की और अलग अलग पुलिस स्टेशन में थी। तो ये जो हैं इसके बाद में भी कुछ लोग आए हैं जो मिलना चाहते हैं हमसे पर्सनली या फिर पुलिस स्टेशन में भी जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और एक स्पष्ट मैसेज हम देना चाहते हैं सबको कि इस तरह से कोई किसी की प्रॉपर्टी पे हक जमाने का या अनलॉफुल तरीके से कब्जा करने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर नियम से कड़क कार्रवाई की जाएगी और वो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो सामने आ रहे हैं, तो ये जिसकी भी इस तरह की कंप्लेंट्स हैं हम सबसे मिल रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं।